गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सभी को हैप्पी नवरात्रि। अभी नवरात्रि चल रही है। एक्चुअली ये ब्लॉग नवरात्रि के एक दिन पहले का है, नवरात्रि स्टार्ट होने के जस्ट एक दिन पहले का है। आपने जो मेरा वो पिछला वाला ब्लॉग देखा था ना, तो उसी ब्लॉग का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो गाइज, आपने आप में से जो लोग भी पिछले ब्लॉग को नहीं देखा है, मैं उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये उसी ब्लॉग का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो वो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। सो फ्रेंड्स, आपको व्यू देख के तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये कहाँ का व्यू है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गंगा नदी का व्यू है और मैं गंगा स्नान के लिए आई हुई हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी प्यारा व्यू है ये गंगा मैया के। ये देखिए, यहाँ पे नदी के ऊपर कुछ इस तरीके की ब्रिज बनी हुई है और ये देखिए यहाँ का व्यू। एक्चुअली हम लोगों को थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग जो है ट्रैफिक में फंस गए थे, जाम लग गया था। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि ये कहाँ का व्यू है। जो लोग इधर के हैं, जो लोग बिहार झारखंड से रिलेट करते हैं, शायद उनको पता होगा कि ये कहाँ का व्यू है। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स, ये है भागलपुर। ये जगह का नाम है भागलपुर और ये बिहार की उपराजधानी है। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार की उपराजधानी है भागलपुर। तो ये देखिए, मस्त वाला व्यू है। माँ गंगा कहीं भी हो, मतलब उनका वो उतनी ही खूबसूरत लगती है, उनका व्यू उतना ही प्यारा होता है। हम लोग नवरात्रि स्टार्ट होने के जस्ट एक दिन पहले हम लोग गंगा स्नान के लिए गए थे। उस दिन को महालया का दिन बोला जाता है और उस दिन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। उस दिन ही माँ का आगमन होता है, तो सब लोग ये गंगा, माँ गंगा की पवित्र जल में शुद्ध होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ लगी होती है। तो जिनके मन में ये आस्था का भाव होता है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी छोटी मोटी बोटिंग भी चल रही है जिनको भी आगे जाना होता है। तो और ये देखिए, यहाँ पे मैं नहा रही हूँ। एक्चुअली मुझे नहाने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मुझसे वो डुबकी जो मारते हैं ना। मैं एक्चुअली मैं गंगा स्नान मैंने ज़्यादा नहीं किया था, ये मैं सेकेंड टाइम गंगा स्नान कर रही हूँ। मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, एक्चुअली मैं कभी नहीं नहाई थी। तो इस बार एक्चुअली घर से सब लोग आ रहे थे तो मैं भी आ गई। और ये देखिए, बहुत मुश्किल के बाद मैंने ये डुबकी लगाई थी, ये देखिए फाइनली। और मुझसे बहुत ज़बरदस्ती करके सब लोग, पापा लोग लगवा रहे थे, ये देखिए। फिर उसके बाद मैं भी थोड़े मज़े लेने लगी। एक्चुअली मैंने कभी इस तरह की डुबकी नहीं लगाई थी, तो मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्ट फील कर रही थी और पानी ज़्यादा थी, तो मैं एक्चुअली मेरे चेस्ट तक पानी आ गई थी, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। और ये देखिए इस व्यू के क्या कहने। आप माँ गंगा की शीतल जल में जब आप खड़े होके उनकी आराधना करते हो ना, तो उनका एक मतलब विशेष ही महत्व होता है और दिल को एक मतलब दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और यहाँ देखिए सब लोग नहा रहे हैं, सभी लोग नहा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए माँ गंगा की शीतल जल में खड़े होके सब सिर्फ आराधना कर रहे हैं
और इनका एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये देखिए, इस समय जब आप भक्ति के मूड में रहते हो ना, तो आपका भी शरीर पूरी तरह से कहता है ना आत्मसमर्पण कर देता है। तो वही है यहाँ पे कुछ इस तरीके को देखने को मिल रहा था। श्रद्धालुओं की मतलब मन में सिर्फ आस्था का भाव कर लिया है। तो अभी जस्ट मैं भींगे कपड़े में हूँ, जस्ट मैं माँ गंगा की पूजा वो कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ पे भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मिलती हूँ कुछ देर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, गंगा नदी के किनारे जस्ट बगल में यहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, ये नेल पेंट, ये सबसे माला वगैरह, इन सबसे सजी हुई ये दुकानें होती है। खासकर जितनी भी महिलाएं यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आती हैं, वो ये खरीदती ही खरीदती हैं, क्योंकि यहाँ पे खरीदने का एक विशेष महत्व होता है। और ये देखिए, ये जो मिट्टी है ना, ये गंगा नदी की मिट्टी है और इनको मृतिका बोला जाता है। इस मिट्टी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और पूजा में इस मिट्टी का काम आता है। और ये देखिए, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। ये देखिए, मतलब हर श्रद्धालुओं के मन में सिर्फ आस्था का भाव होता है। वहाँ पे जाके वो हर चीज़ भूल जाते हैं, सिर्फ उनके फेस पे आस्था का भाव होता है। और ये देखिए, यहाँ पे ये जो डब्बा दिया जाता है, उस डब्बे में ये सब लोग जल चढ़ाते हैं और यहाँ पे प्रसाद, ये पान, सिंदूर, प्रसाद, जो भी प्रसाद की सामग्री होती है वो दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मेरा ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।